बीस बीस लाख का सूट आप तीन बार पहनते हो। बहनों भाइयों, क्या बोला? बहनों भाइयों, पंद्रह पंद्रह लाख अपने खाते में दूंगा। क्या बोला? कहते थे मोदी जी। ये क्या पता है मोदी जी, आप चाहे बेचने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, आपको 20 लाख का सूट तो याद रहेगा। वो गरीब लोग भूल गए जिनके कंधों पे आके आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो। आज अंबानी, अडानी, टाटा बाटा 500 लोग पूरे देश में हैं, जिनको सभी ताकत दे रहे हैं आप। पूरे देश को नीलाम कर दिया आपने, पूरे देश का पेट भूखा है। आज रेड़ी वाला सोचता है मैं कैसे खाते भरूंगा, जीएसटी कैसे होगा, नोटबंदी का नुकसान कितना बड़ा हुआ है, गरीब का हुआ है। आज नारा लगा है कांग्रेस चलाओ मोदी भगाओ, कांग्रेस लाओ मोदी भगाओ। हमारे कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, नए नहीं हैं, स्कूल से निकल कर आए हैं, युवा विद्यार्थी से निकल कर आत्महत्या है, सुसाइड किया है, वो कितने करवाया है? मोदी की नीति। आज जीएसटी लगा है, किसका नुकसान हुआ है? अडानी पर। कहां से हिसाब देगा जो रेडी वाला है? कहां से हिसाब देगा जूती बेचने वाला है, चाय बेचने वाला है? कहां से देगा? केवल 500 लोग हैं ऐसे बड़े हिंदुस्तान में जिनको मोदी तकला करना चाहता है, सभी को मजदूर बनाना चाहता है, इनको फैक्ट्रियों में काम करो, आप व्यापार मत करो, ये पॉलिसी है, काम करो और सो जाओ और खा लो, सो बस इतना। उन लोगों को क्या मालूम है जिसने घर में बच्चा नहीं है, कभी बच्चे के लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा, बूट नहीं खरीदे, स्कूल नहीं भेजा, डॉक्टर को लेने नहीं गया, उनको पता नहीं है ये दाल का रेट क्या है, टमाटर का रेट क्या है। हमारे पंजाब में कहते हैं एक कहावत है, जहां देखी तवा परात वहां कटी सारी रात। हमें किसी का डर नहीं, हमारे कोई घर नहीं। जो घर में पूछने वाला होगा, बीवी होगी, कोई बच्चा हो। तुहाडी पार्टी हाईकमांड ने गुजरात च विशेष तौर ते पंजाब ते ड्यूटी लाई है, चोणां दे विच की महसूस कर रहे हो, किदां दा इत्थे तुहानूं रिस्पोंस मिल रहा है, की लगदा है? जो मैं महसूस कीता है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।